आज ना मौसम बहुत ज़्यादा बकचोदी कर रहा था, तो मैंने सोचा आज मैं बनाऊंगी मोमोज़, और मोमोज़ की चटनी भी घर पे ही बनाऊंगी। जिसके लिए मैंने लिया पहले लाल मिर्च होती जो सूखी लाल मिर्च, गार्लिक ले लिया अपने इधर, टमाटर ले लिया हमने, टमाटर को उसका मुँह जो होता फाड़ दिया। उसके बाद हमने मिर्ची और टमाटर दोनों को बॉयल होने के लिए रख दिया। जब तक ये बॉयल नहीं हो जाता तब तक मैंने अपना आटा भी गूंद लिया है मोमोज़ के लिए, जो बैटर बनाना था उसके लिए, तो उसको मैंने फ्रिज में रख दिया। यहाँ मैंने जुकीनी ली है, टमाटर लिए हैं, आप कोई भी सब्ज़ी ले सकते हो, मिर्ची ली है ऑफकोर्स। यहाँ हमारा ये दोनों बॉयल हो चुके हैं अच्छे तरीके से, ठंडे पानी से इसको रखो, गर्म गर्म मत लगाना है ना, नहीं तो हाथ जल जाएगा। उसके बाद इसको अच्छे से ठंडा करके ग्राइंड कर लो जब तक ये कुछ इस तरीके से चटनी की तरह नहीं लगता। उसके बाद गार्लिक को तेल लो, गार्लिक को भून लो ब्राउन होते तक। उसके बाद हम चटनी डाल दो, नमक डाल दो, केचप डाल दो, सोया सॉस डाल दो इसके अंदर, पकने दो, बन गई अपनी चटनियाँ। उसके बाद हम अपने सब्जियों को भून लेंगे, आप सब्जियाँ डालो, चिकन डालो, कुछ भी आपकी मर्जी। क्या हमारा आटा भी तैयार है इधर, आटे का हमने कि देखो कितना लचीला आटा बना, पतला 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 इसको चपटा सा बना लिया। उसके बाद चपटे को हमने सब्जी डाल दिया है जो भी हमने फिलिंग की थी। उसके बाद हमने गोल गोल करके इसको मोमोज की तरह बनाना है। रुको अभी आपको एक जादू दिखाती हूँ, देखना ये देखो, एक से चार है हमारे जादू। उसके बाद हम अपने छाननी से, मैंने यहाँ जुगाड़ लगा रखा था, आप भी जुगाड़ लगा सकते हो। ये अपने फाइनली बन गए हैं मोमोज। मैंने मोमोज को ना नीचे से थोड़ा सा फ्राई कर लिया था, मैंने देखना था कि कैसा टेस्ट करता है, बहुत ज़्यादा।